नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक या आईटीआई, ये दोनों में आपके लिए बेहतर कौन रहेगा। बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहता है कि मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद जॉब लेने के लिए वो कौन सा पढ़ाई करें, पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें, और गलतफहमी में गलत कोर्स चुन लेते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक या आईटीआई कौन अच्छा है आपके लिए, इसके बारे में बात करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉलिटेक्निक ख़राब चीज़ है या आईटीआई ख़राब है, लेकिन दोनों में आपके लिए कौन अच्छा होगा, इसके लिए मैं दोनों को तुलना कर देता हूँ, और आपको फिर जो अपने हिसाब से समझ में आए उसको आप चयन कर लेना। देखिए, पॉलिटेक्निक इस साइड में लिख देते हूँ मैं, आईटीआई। पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 साल का कोर्स है। पॉलिटेक्निक जो है वो कितना साल का कोर्स है? 3 साल का। और आईटीआई जो है जनरली कितना साल का कोर्स है? 2 साल का। मैट्रिक के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, आप आईटीआई भी कर सकते हो। तो दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। पॉलिटेक्निक यदि आप कर लिए तो आप जूनियर इंजीनियर कहला जाते हो। आपके नाम के आगे हिंदी में आप इसको बोलोगे कनीय अभियंता, यानी आप इंजीनियर कहलाने लगे, आपके नाम के आगे जेई लग जाएगा। और यदि आप आईटीआई करते हो तो आईटीआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप एक लेबर का ट्रेनिंग लिए हुए हो, आप कोई इंजीनियर नहीं हो या कोई आप अफसर में गिनती नहीं आओगे, कोई हाई लेवल का आपको पोस्ट नहीं है, आप लेबर हो ट्रेन। लेकिन जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो एक तरह से इंजीनियर कहला जाएंगे, जेई कहला जाएंगे। 2-4 साल 5 साल में वो बड़ा इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर कहला जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक जो है एक थोड़ा सा इज्जत इनको ज़्यादा मिलने लगता है कहीं पर भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटीआई को इज्जत नहीं है, इज्जत दोनों को है, लेकिन पॉलिटेक्निक जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल में कहला जाएंगे, आईटीआई वाला उनके अंदर में रहेंगे। जॉब जब जब करेंगे तो पॉलिटेक्निक वाला का सैलरी यदि बात करेंगे प्राइवेट में, तो यदि इनको स्टार्टिंग पेमेंट 20 से 30 हज़ार रुपये मिलता है, 20 से 30 हज़ार स्टार्टिंग, तो आईटीआई वाले को 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेगा स्टार्टिंग, यानी कि डबल के लगभग में दोनों में क्या होता है अंतर। और आप आईटीआई किए हुए हो तो आप किसके अंडर में काम करोगे? पॉलिटेक्निक जो किए हुए लड़का उसके अंदर में आप काम करोगे, यानी पॉलिटेक्निक के अंदर में ही आईटीआई लोग काम करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है क्या करना चाहते हो, आप एक ट्रेन लेबर बनना चाहते हो कि इंजीनियर कहलाना चाहते हो, ये आप समझ लो। और पॉलिटेक्निक करना उतना भी हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा, आईटीआई में जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, क्या किए हुए होते हैं, तो आप आईटीआई अगर करना चाहते हो या आईटीआई कोई आपका दोस्त यार है तो उससे आप पता करो, आईटीआई का जो टीचर होता है वो पॉलिटेक्निक किए हुए रहता है। कोई कोई टीचर बीटेक भी होगा, लेकिन आईटीआई जो किए हुए रहता है, जो टीचर होता है आईटीआई कॉलेज में, वो कौन सा रहता है, वो पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हुए रहता है। पॉलिटेक्निक को हम लोग डिप्लोमा के नाम से भी बोलते हैं, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो पॉलिटेक्निक करके आप आईटीआई का भी टीचर बन सकते हो। रेलवे ड्राइवर, रेलवे में जो लोको पायलट है, ड्राइवर नहीं बोलना चाहिए, लोको पायलट या ALP असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी आता है, वो आईटीआई भी भर सकता है, पॉलिटेक्निक भी भर सकता है। लेकिन रेलवे में JEE का वैकेंसी आएगा, जूनियर इंजीनियर का, तो आईटीआई नहीं भर सकता है, वो कौन भरेगा? पॉलिटेक्निक वाले भरेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से पॉलिटेक्निक जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आईटीआई की तुलना में। यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप पॉलिटेक्निक कर लो। आप जो है 3 साल का क्या कर लो, पॉलिटेक्निक, यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हो तो। आईटीआई में ऐसा नहीं कि आईटीआई में नहीं पढ़ना, आईटीआई में भी पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से, करियर के हिसाब से, आपका करियर का ग्रोथ के हिसाब से पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें आप इंजीनियर कहला जाओगे, फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। अगर आप फॉरेन जाओगे तो पॉलिटेक्निक जो किए हुए रहता है वो सबका 1-1 लाख रुपया तक सैलरी मिल जाता है, लेकिन आईटीआई करके जाओगे तो 50 हज़ार रुपया मिलेगा फॉरेन में।
तो इसीलिए लगभग आपको डबल का अंतर है, प्लस आपका जो है प्रमोशन जल्दी जल्दी होगा, कोई भी कंपनी में कोई भी फैक्ट्री में आईटीआई वाला का कुछ समय लगेगा। तो इसीलिए इंटर वगैरह के तुलना में तो आईटीआई जॉब की दृष्टि से बेस्ट है, लेकिन आईटीआई से भी बेस्ट हो गया पॉलिटेक्निक। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे पॉलिटेक्निक या आईटीआई आपको क्या करना है, दोनों में आपको बहुत अंतर है। एक साल मात्र ज़्यादा लगेगा पॉलिटेक्निक में, लेकिन आप इंजीनियर कहला जाओगे। एक बात और, आप आईटीआई के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हो। तो यदि आप आईटीआई किए हो तो आपको 2 साल लगेंगे पॉलिटेक्निक करने में। कितना साल लगेंगे? 2 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने में, आईटीआई में 2 साल, फिर 2 साल पॉलिटेक्निक में, यानी आपको 4 साल लग गए। पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कर लो। तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये अच्छा से आप समझ लो। तो ये 2 साल जो आपको लगेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप यदि फीटर से आईटीआई किए हो तो आप जो है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल से रिलेटेड जितना भी ब्रांच है उसमें आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। कितना साल लगेगा आपको? 2 साल। और यदि आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रिशियन से किए हो, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हो, तो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये था पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अंतर।